अब आप लोग दिल्ली जाने के मूड में हैं। अर्थात अब आप लोग बीजेपी के नमो नमो को विदा करके अब यह अध्यादेश को ही लाने वाले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में भी अपने गठबंधन की ज्यादा से ज्यादा सीटों को जिता लेते हैं। इस उम्मीद के साथ ही हमने आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में या उत्तर प्रदेश स्टेट में बने अपने इस गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद काफ़ी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ शुरू में कांग्रेस पार्टी व इसके बाद बीजेपी एवं अन्य और पार्टियों के हाथों में। किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में वे अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनके अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों में भी सत्ता से अलग होना पड़ा है। और हम वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीजेपी भी केंद्र में अपनी सरकार की खासकर आरएसएसवादी रूढ़िवादी संकीर्ण संप्रदाय द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से जरूर बाहर चली जाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।